जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों, कुछ हमारे मित्रों ने फोन किया है, अमीरपुर का भी प्रोग्राम पूछा है। आप सबको मालूम है अगले हफ्ते 8, 9, 10, 11 चार दिन ऊना, 12, 13, 14 तीन दिन पालमपुर। उसके बाद जो है हमने फैसला किया है 15 तक पालमपुर में रहेंगे, क्योंकि मंडी से भी कुछ लोगों ने हमसे मदद मांगा है। 16, 17, 18, 19 चार दिन अमीरपुर का भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके बाद हम रिकांगपियो चले जाएंगे। दोस्तों, हमारे जो है इस प्रोग्राम का मकसद है, कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स हैं जिनका अरियर्स बाकी बचा हुआ है, जिसके बारे में उन्हें खुद मालूम नहीं है। वो हम ढूंढ के निकालेंगे, लोगों को मदद करेंगे और लोगों को हम सिखाएंगे, समझाएंगे स्पर्श के बारे में, क्योंकि आप लोगों को मालूम है स्पर्श आने के बाद बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स और बुजुर्गों के लिए बहुत दिक्कत होगा। कहने के लिए गवर्नमेंट कहता है कि हम सीएससी यानी कि सर्विस सेंटर जो है प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो सर्विस सेंटर है उनको खुद को मालूम नहीं है कि क्या करना है। जिला सैनिक बोर्ड में जो भी बैठे हैं उनको क्या मालूम है। डीपीडीओ वो सही पेंशन देने में कामयाब नहीं हो रहा है, वो क्या मदद करेगा। एक बंदा वीडियो डालता है, बैंकों का काम है मदद करना। आप लोगों को मालूम होना चाहिए मैं बहुत सारे सीपीपीसी और बाकी बैंकों के साथ ताल्लुकात रखता हूं। मैंने उन लोगों से बात किया है, उन्होंने बोला कि जब एक बार हमारे हाथ से निकल जाएगा फिर हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कुछ करना होता तो हमारे लिए भी सर्विस प्रोवाइडर्स का जो भी मिलता है पैसा हमें भी मिलना चाहिए, और हम उसके लिए आदमी रखना है, फिर उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे खर्चा आएगा। अगर गवर्नमेंट देगा तो हम हेल्प करेंगे। दोस्तों, अभी गवर्नमेंट तो स्पर्श को पीछे, स्पर्श को कैंसिल करने का मेरे जहां तक समझ है बहुत मुश्किल है। जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे या मतलब अपने जो है आवाज बुलंद नहीं करेंगे, ये स्पर्श पीछे नहीं जाएगा। एक तो हमारे सिर पे आ गया, लेकिन हमें इससे बचना है तो हर जगह ऐसे लोगों को हम ट्रेनिंग करना देना चाहिए जो सच्चे मन से, सच्चे लगन से काम करने वाले। दोस्तों, मैं एक प्रिंसिपल पे मैं बिलीव करता हूं, एक काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए संगठन की जरूरत नहीं है। संगठन किसी और चीज के लिए संगठन की जरूरत है, लेकिन किसी का भलाई करना है, सच्चा मन होना चाहिए, लगन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात सच्ची और अच्छे दोस्त होना चाहिए। मैं ईश्वर से ईश्वर को शुक्र देना चाहता हूं, उन्होंने अच्छे दोस्त मेरे को दिया है हर जगह, जो मेरे जैसे सोचने वाला है, अपनी भलाई नहीं सोचता, औरों की भलाई सोचने वाले हैं हर जगह, और उन्हीं की मदद से मैं हर काम कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जितना काम मैं करता हूं उससे ज्यादा काम जो है हमारे अच्छे अच्छे दोस्त करते हैं। अगर मैं उनका नाम अगर मैं बोलना चाहूं, अभी मैं जा रहा हूं, आप लोगों को मालूम है हिमाचल, हिमाचल से हमारे जो है बहुत सारे मित्र हैं, सबका नाम पहले बोल दिया, दोबारा नया बोलना नहीं चाहता हूं। आप पंजाब में अगर जाओगे, बरनाला हमारे एक मोहिंद्र सिंह मौजी है, आप सबको मालूम है कि तरन तरन में हमारे नायक हरपाल, हरियाणा में जाओगे तो कपिल, गुरदासपुर में जाओगे तो हमारे जो है सुबेदार मेजर गोसल साहब, और नांगल साइड में जाओगे तो सुबेदार मेजर सुखदेव,
ये मतलब सिर्फ मैं नॉर्थ की बता रहा हूं, ईस्ट में जाओगे तो हमारे सार्जेंट महानंदा विश्वास है वेस्ट बंगाल से, और आंध्रा में भी है, तमिलनाडु में तो अनगिनत है मदद करने वाले, अनगिनत, कर्नाटका में भी है, अब राजस्थान से भी लोग उठ रहे हैं कहते कि सर हम भी आपको आपको साथ देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं पॉलिटिक्स वो अलग चीज है, उसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, जो बात मैं करता हूं लोगों के मन में ऐसे लगता है कि ये किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, ना करूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स, मजहब, कौम, जात पात ये हमारे बीच में अगर आ जाता है ना तो हमारा दोस्ती खत्म हो जाता है। इसलिए जो है मैं कभी इसके बारे में बात ही नहीं करता। अगर कोई लोग, अगर किसी के दिमाग में ये ऐसे आता है कि ये फलाना पार्टी का आदमी, तो आप कृपया करके वो जो है आपके थिंकिंग छोड़ दो। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, और मैं कहीं भी जाऊंगा किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए मैं बात ही नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। ऊपर से क्या, हमारे जो मित्र लोग हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वेटरन्स हैं, इन लोगों ने मेरे से एक रिक्वेस्ट रखा है कि संगठन के बारे में भी बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं भी संगठन के बारे में बात नहीं करता हूं, क्योंकि हर जगह एक एक संगठन होता है, भले वो अच्छा काम कर रहे या बुरा काम कर रहे, इसके बारे में कमेंट करने का, टिप्पणी करने का मुझे कोई हक नहीं बनता। हम जहां भी जाएंगे उनसे मदद लेंगे, उनसे मदद लेंगे और कंधे से कंधे मिला के उनके साथ काम करेंगे, और वहां के लिए जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरे को फिजूल बातों के लिए बिना मतलब गाली देने वाले बहुत है। मेरे को फील इसलिए हो रहा है, अरे अगर तुम नहीं करना चाहते हो, अगर तुम नहीं कर सकते हो मत करो, या नहीं तो क्या काम मैं कर रहा हूं जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, या जहां भी मैं प्रोग्राम करता हूं वहां लोगों से पूछो। लेकिन बगैर पूछे, बगैर समझे ऐसे ही मतलब दारू पी के गाली देना, वो भी माँ बाप की तब चले जाते हैं, शर्म आना चाहिए। अरे गाली देने से आपका क्या, आपको क्या मिलता है गाली देने से? ये कहता हिंदी बोलना सीखो, भैया लैंग्वेज का मतलब है जो मैं बताना चाहता हूं आपकी समझ में आना चाहिए, आप जो कहते हैं वो मेरी समझ में आना चाहिए, इसके लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो पीड़ित लोगों की समझ में आ जाता है, जो बात वो कहते हैं मेरी समझ में आता है। मेरा कुछ पंजाबी फैमिली पेंशनर्स है जिनका काम मैं करता हूं, वो सिर्फ पंजाबी जानते हैं, मेरे से जब बात करते पंजाबी में बात करते, और मुझे समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, और मैं जवाब देता हूं हिंदी में। इसलिए जो है मैं कौन सा भाषा में बात कर रहा हूं ये दूर की बात है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं दूर की बात है। अगर आप अच्छे मन से किसी की मदद करना चाहते हैं तो आगे आ जाओ, हमारे साथ दो, ताकि आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में कोई भी पीड़ित लोग होगा उनको आप मदद कर सकते हैं। जहां भी मैं जाऊंगा 100 में 10 पेंशनर को देखता हूं, बाकी 90 पेंशनर्स का शक्ल तक नहीं देखा। तकरीबन 1500 से ऊपर जो लोगों को हमने पेंशन दिलाया, सही पेंशन, अरे ये सब कुछ दिलाया 1500 से ऊपर,
और कितने लोगों को हमने दूसरे ढंग से हमने हेल्प किया, ये हम जानते हैं, हमारे संगठन वाले जानते हैं। अगर आप मदद नहीं करना चाहते हैं, मदद मत करो, लेकिन मां बाप तक गाली देना है ना, ये अच्छा नहीं लगता। इससे भी मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये आपके जो भी गाली देते हैं ना, वो अपना जो है औकात दिखाता है। इसमें मर्द वो होता है, पूछो कि क्या कैसे करोगे, क्या प्रूफ है, कहां से निकाला, टेलीफोन पे पूछो या वीडियो में पूछो, यूट्यूब में आ जाओ, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करो, मैं जवाब दूंगा, प्रूफ दूंगा, यानी तो हमारे साथ आ जाओ। बिना मतलब गाली किसी को मत देना, ये अच्छा नहीं लगता। बिना मतलब गाली देने का मतलब है जो सड़क का कुत्ता भोंकता है ना, वैसे ही है। मैं हर एक को इंसान समझता हूं, आप कुत्ता मत बनना। दोस्तों यही बात है आज, आगे से मैं वीडियो इसके बारे में नहीं डालूंगा, क्योंकि हर जगह मुझे जो है लोग मिल गया, दूसरों को हेल्प करने वाले और ईमानदार आदमी सब मिल गया। आगे हम पेंशन के साथ साथ जो है स्पर्श का ट्रेनिंग भी हम उनको देंगे, ताकि वो अपने एरिया में लोगों को मदद कर सकता है। और 8, 9, 10, 11 चार दिन जो है, जो भी आना चाहते हैं आप ऊना में सैनिक गेस्ट हाउस में आ सकते हैं, हम वहीं मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है हमसे बात कर सकते हैं। और ऊना से ऊना कंप्लीट करके जब हम पालमपुर जाएंगे, फिर दोबारा वीडियो निकालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।